एक बार एक सज्जन आए गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव आज तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। गुरुदेव पूछने लगे, बेटा क्या हो गया? गुरुदेव मैं आ रहा था, रास्ते में तांगे के नीचे आ गया, तांगे का पहिया मेरे पैर पर से निकल गया और आश्चर्य ये कि मुझे खरोंच तक नहीं आई। गुरुदेव मुस्कराए, कहने लगे, बेटा तुझे खरोंच कैसे आ सकती थी, वहाँ मैं जो मौजूद था। और ये कह के उन्होंने अपना पैर दिखाया जिस पर तांगे के पहिए के चलने के निशान मौजूद थे। संत ज्ञानेश्वर और रामकृष्ण परमहंस की वेदना को, संवेदना को जिसने जाना ही नहीं, जिसने जिया हो जिंदगी भर, ऐसा गुरु ऐसा पिता क्या कभी भूल सकेंगे? भूल नहीं सकेंगे। गुरुदेव को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती रही? ये गायत्री मंत्र की साधना थी जिससे गुरुदेव को शक्ति मिलती रही। और शक्ति मिल जाती है तब, हिम्मत मिल जाती है तब, तो छोटे छोटे लोग, साधनहीन लोग बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। कौन कौन काम कर गुजरते हैं? वो काम कर गुजरते हैं, नल और नील का नाम सुना है? रामायण में बहुत सुना है। नल और नील वो लोग थे जो राम की सेना के वो वानर जिनको असंस्कृत कहा जाता था, असभ्य कहा जाता था, लेकिन निष्ठा के धनी वो लोग जो राम के साथ संस्कृति की सीता को ढूंढने निकले थे। सामने बाधाओं का समुद्र सामने था, लगता था कैसे पार किया जाएगा, लेकिन राम की निष्ठा को लेकर उठ खड़े हुए थे और राम का नाम लेकर समुद्र को बांध दिया था। सैकड़ों मील लंबा समुद्र जिनके सामने सिर झुकाया था, समुद्र में पुल बनता हुआ चला गया था। और निष्ठा के सहारे समुद्र लांग गए थे। कौन लांग गए थे? बजरंग लांग गए थे। निष्ठा किसकी जीवन थी? निष्ठा जीवन थी नेपोलियन की। नेपोलियन आगे बढ़े, आल्प्स पर्वत से कहने लगे, हे आल्प्स पर्वत, आप हमको रास्ता देते हैं या हम आपको पैरों तले कूट के आगे निकल जाए? आल्प्स पर्वत वो पर्वत था, वो बर्फीला पहाड़ जिसकी ऊंचाइयों को लोग पार नहीं कर सके थे, जो दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ था, जिस पर बर्फीले तूफान आया करते थे। वो पहाड़ कहने लगा, नेपोलियन अगर तुम्हारी हिम्मत और जरूरत इतनी ऊंची है, तुम जितनी बुलंदगी से बात कर रहे हो, अगर इतना साहस है तो आज तुम्हारे साहस का स्वागत करता है, ये रास्ता देने को तुम्हें तैयार है। और नेपोलियन उसको पार करता हुआ निकल गया। किसी भी आध्यात्मिक मंत्र का शक्ति देने वाली चीज़ जो सिद्धांत कायम कर मिलता है वो है केवल एक श्रद्धा। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।